नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे बिस्तर पर जाते ही दिखने लगे ऐसे पांच लक्षण, तो समझ लीजिए हो सकता है हार्ट अटैक का संकेत। आज ही कर लें इनकी पहचान। हार्ट अटैक सिम्टम्स ऑफ बेड। हार्ट से जुड़े कुछ ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं जो बिस्तर पर जाने के बाद महसूस होते हैं, और इन संकेतों को इग्नोर करना हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। चलिए जानते हैं बिस्तर पर किन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक दैट कैन बी सी इन बेड। हार्ट अटैक फिजिकल कंडीशन को इग्नोर करना जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है। वैसे तो हेल्दी लाइफस्टाइल और सही डाइट मेंटेन करके हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है, लेकिन इतना ही जरूरी है इसके शुरुआती लक्षणों पर नज़र रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ट अटैक के कुछ मामले जेनेटिक होते हैं, और उनकी रोकथाम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, शुरुआती लक्षणों पर नज़र रखना। हार्ट अटैक के मामले सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात के समय भी हो सकते हैं। रात को बिस्तर पर जाते ही कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं जो किसी और बीमारी का नहीं बल्कि हार्ट अटैक का संकेत देते हैं। चलिए जानते हैं इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेटने के तुरंत बाद सीने में दर्द। अगर आपको लेटने के तुरंत बाद सीने में दर्द हो रहा है तो यह भी एक गंभीर समस्या हो सकती है, और इसे गलती से इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल दिन में काम करते समय ये लक्षण महसूस नहीं हो पाते, और रात के समय ऐसे लक्षण दिखने पर इन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर लेटने पर जी घबराना। दिन में शारीरिक गतिविधियों के दौरान या काम में ज़्यादा व्यस्त होने के दौरान हम खुद ही काफ़ी सारे लक्षण महसूस नहीं कर पाते और इन्हें इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ही जी घबराना भी एक लक्षण है, जिसे हार्ट पैल्पिटेशन कहा जाता है। यदि आपको रात को बिस्तर पर लेटने के बाद यह लक्षण महसूस होता है तो यह हार्ट अटैक की ओर संकेत करता है। बिस्तर पर जाते ही उल्टी आने जैसा मन। यह भी संभव है कि आपको दिन में भी जी मचलाने की समस्या हो रही हो, लेकिन व्यस्त होने के कारण आप इसे इग्नोर कर रहे हों। लेकिन ऐसे लक्षण खास तौर पर रात के समय ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इसलिए ऐसे रात को आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं आपको ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है। बिस्तर पर लेटने के बाद ज़्यादा पसीना। दिन में काम करते वक्त पसीना आना आम बात है, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद पसीना आने की स्थिति को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती कि अचानक से पसीना आना हार्ट अटैक का एक संकेत हो सकता है। काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक से ठीक पहले शरीर में पसीना आने लगता है, और उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर लेटने के बाद बाएं हिस्से में दर्द। बिस्तर पर लेटने के बाद शरीर के बाएं हिस्से में दर्द होना भी हार्ट अटैक से जुड़ी स्थिति का एक संकेत हो सकता है। यदि आपको बिस्तर पर लेटने के बाद बाएं हाथ चेहरे के बाएं तरफ या फिर शरीर के बाएं तरफ से किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से इस बारे में संपर्क कर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्त।